नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉपी है ना कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं, रेन कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ सीखेंगे। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग यहाँ तक डेल कमांड तक सीखे थे, डेल कमांड के हेल्प से कोई भी चीज़ को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं फाइल को। तो चलिए आज हम लोग बने रहिए, अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचते रहें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का यूज क्या होता है ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग को फाइल बनाने के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कंप्यूटर टाइप कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए फाइल का नाम कंप्यूटर हो गया। अब इसके अंदर जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख दिया हूँ। इसको सेव करने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल जेड, कंप्यूटर में कंट्रोल जेड टाइप कर दिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया ना ये फाइल। अगर देखना रहेगा तो DIR कर देंगे तो ये फाइल बन गया, किस नाम से, कंप्यूटर। देखिए बताए थे ना कि जिसके सामने नंबर रहेगा वो फाइल रहेगा, जिसके सामने DIR लिखा हुआ रहेगा वो आपका फोल्डर रहेगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर नाम से फोल्डर फाइल बन चुका है। तो ये बता रहा है कि कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो कॉपी करने के लिए क्या यूज करेंगे, COPY, कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम क्या है मेरा, कंप्यूटर है, COMPUTER, समझ में आया। उसके बाद फिर स्पेस करेंगे, फिर न्यू फाइल नेम, मान लीजिए कंप्यूटर को हम यहाँ पे मान लीजिए कि PC है ना, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, सपोज डेट लिख देते हैं PRADEE, प्रदीप लिख दिए और क्या कर दिए यहाँ पे, मतलब कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम और इंटर कर देंगे, ये फाइल क्या हो गया, कॉपी हो गया। कैसे सर पता चलेगा कॉपी हो गया है, तो आप टाइप कमांड का यूज करो, टाइप स्पेस कंप्यूटर लिखो। टाइप कमांड से क्या है ना, कोई फाइल के अंदर डेटा देख सकते हैं, देखो ये चीज लिखा हुआ है टाइप कमांड, क्योंकि अगर ये चीज कॉपी इसमें हुआ होगा तो सेम डेटा इसमें भी होगा, सेम डेटा इसमें कॉ हुआ होगा तो इसमें भी होगा। तो अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप स्पेस क्या कर देंगे यहाँ पे PRADEE, प्रदीप कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा कंप्यूटर फाइल के अंदर है वही डेटा, क्योंकि सेम चीज हम यहाँ पे टाइप किए थे, मतलब वो चीज इसमें कॉपी हो गया। तो क्या सीखे आपने कि हम लोग कॉपी कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीनेम कमांड। मान लो प्रदीप का नाम चेंज करके मान लीजिए हम कर देते हैं अभिषेक या अभी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेन स्पेस है ना, फाइल का नाम क्या है प्रदीप, तो हम चाहते हैं इसका फाइल का नाम दूसरा हो जाए, तो यहाँ पे ओल्ड फाइल नेम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ओल्ड फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम इज PRADEE, प्रदीप, नाम सेम हो, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो पहले वाला में लिखा, स्पेस और न्यू फाइल नेम मान लिया हम ABHI, क्या कर दिए अभी, इंटर कर देंगे। सर कैसे पता चलेगा, तो आप DIR करो और इंटर कर दो, DIR करोगे, फिर से CLS मैं कर देता हूँ, DIR करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक अभी है एक कंप्यूटर है, पहले प्रदीप ही था लेकिन उसका प्रदीप को नाम को रीनेम करके रेन कमांड के हेल्प से क्या कर दिया, वो अभी कर दिया है, समझ में आया, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर को भी करना चाहते हैं तो रेन स्पेस क्या कर देंगे, कंप्यूटर, मतलब ये मेरा ओल्ड फाइल नेम है, न्यू फाइल नेम मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं HARDWARE, क्या कर दिए हार्डवेयर। अब DIR करते हैं दोस्तों, ये देखिए क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका अभी था कंप्यूटर जी के वीडियो, सॉरी इसमें नहीं हो पाया लगता है, दिख नहीं रहा है, देखिए सॉरी हार्डवेयर हो गया है, यहाँ पे देखिए ये हार्डवेयर हो चुका है, यहाँ पे हार्डवेयर है और दूसरा अभी 52 और यहाँ पे 52, दोनों एक ही चीज़ है इसीलिए आपको इस तरह दिखा रहा है। तो क्या सीखे हम लोग दोस्तों, कि हम लोग कॉपी कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं और रेन कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे MD कमांड, MD से फोल्डर बनाया जाता है और CD से फोल्डर को खोल सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में MD और CD के बारे में सीखेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो छोटा है लेकिन पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ को समझाने के, वीडियो को लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बोरिंग ना हो, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।